क्रिकेट दुनिया की सबसे बड़ी लीग यानी कि आईपीएल का आगाज हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट दुनिया का सबसे बड़ा लीग यानी कि आईपीएल का आगाज आज से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो चुका है, जिसका पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात जायंट्स के बीच खेला गया। तो इस मैच में गुजरात जायंट्स ने पहले टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसी के मुताबिक चेन्नई सुपर किंग्स के दो ओपनर कॉनवे और गायकवाड पहले कुछ खास कर नहीं पाए और कॉनवे सिर्फ एक रन बनाकर आउट हो गए। मगर गायकवाड़ कहाँ रुकने वाले थे। गायकवाड़ ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 23 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और 92 रन यानी कि 92 रनों की काफ़ी ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 9 छक्के शामिल थे। गायकवाड़ एक तरफ खेल रहे थे मगर दूसरी तरफ सारे कोई भी उनका साथ दे नहीं पाए थे। सिर्फ मोइन अली ने 21 रन किया और लास्ट में महेंद्र सिंह धोनी जो कि 14 रन करके आउट हो गए। ऋतुराज गायकवाड़ के 92 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स ने पूरी 20 ओवर में 178 रन की यानी कि 179 रनों का लक्ष्य पीछा करते हुए गुजरात जायंट्स के दो ओपनर रिद्धिमान शाह और शुभमन गिल ने पहले पावर प्ले में काफ़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और अपने टीम को एक काफ़ी अच्छी स्थिति में लेकर गए। गुजरात जायंट्स ने पहले ही पावर प्ले में 6 ओवर में 65 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। इसी बीच शुभमन गिल ने पहले ही मैच में अपना अर्धशतक पूरा किया और 65 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए गुजरात जायंट्स को पहले मुकाबले में जिताने के लिए काफ़ी अहम भूमिका ली। वहीं एक बार ऐसा लग रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी यानी माही के टीम ने फिर वापसी कर ली थी, मगर आखिरी के लास्ट ओवर में यानी कि दीपक चहर के जो 19वीं ओवर थी उसमें दीपक चहर के 2 गेंदों में पहले 1 छक्का और 1 चौका लगाकर राशिद खान ने पूरी बाजी ही पलट दी और आखिरी ओवर में राहुल तेवतिया ने 1 छक्के लगाकर गुजरात जायंट्स को जिता दिया। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, क्या फिर महेंद्र सिंह धोनी की ये टीम फिर दूसरी मैच में वापस कर पाएंगी? प्लीज़ कमेंट में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।